आज हम नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही यूनिक है, जिसका नाम है कोरोना वड़ा। तो शुरू करते हैं बनाना। कोरोना वड़ा बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो ये है: 1 कप राइस फ्लोर, ग्रेटेड गाजर, 1 ऑनियन, कैप्सिकम, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिर्ची, ग्रीन पीस, 2 पोटैटोस, सॉल्ट, चाट मसाला और थोड़े से मसाले। ये 1 कप राइस हमने, बासमती राइस है, इसे हमने 1 घंटे पहले ही सोख करके रख दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम चावल का आटा गूंथ लेंगे। इसमें हम 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा और अब हम इसे हल्के गर्म पानी से गूंथ लेंगे। ये चावल का आटा हमने अच्छे से गूंथ लिया है, इसे ना हमें ज्यादा नरम गूंथना है और ना ज्यादा सख्त। अब हम पोटैटो को थोड़ा मैश कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इसमें 1/2 टेबलस्पून जीरा डालेंगे, थोड़ा ऑनियन डालेंगे, इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और चिल्ली डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे और गाजर ऐड करेंगे और थोड़े से ग्रीन पीस, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक हम इसमें थोड़ा ही ऐड करेंगे बिकॉज हमने राइस में ऑलरेडी नमक डाला है। हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें मैश किए हुए पोटैटो ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून अमचूर पाउडर, अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। हमारा आलू का स्टफिंग अच्छे से भून चुका है, देखिए ये पैन में से सेपरेट हो गया है, इसका मतलब एक अच्छे से भून गया है। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे। अब हम इसे डिश में निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आलू का स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक हम एक पॉट में पानी गर्म करेंगे। अब हम इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आलू के छोटे छोटे वड़े बना लेंगे। इसी तरह हम सारे वड़े बना के तैयार कर लेंगे। अब हम चावल का आटा लेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे। अब हम इसमें अपने वड़े रखेंगे और आलू को अच्छे से वड़े कवर कर देंगे। ये देखिए हमारा वड़ा अच्छे से बनकर तैयार है। इसी तरह मैं आपको एक और वड़ा बना के दिखाती हूँ। सेम हम उंगलियों की सहायता से ऐसे प्रेस करेंगे। हम अपने इसमें आलू का स्टफिंग रखेंगे। जिस तरह हम आलू के पराठा में स्टफिंग भरते हैं सेम उसी तरह इसे भी भर के ऐसे गोल गोल घुमा के वड़ी का शेप दे देंगे। ये देखिए हमारे वड़ी की स्टफिंग हो चुकी है।
अब हम राइस लेंगे, अब हम इसमें चावल की कोटिंग करेंगे, क्योंकि ये चावल का आटा है और हमारे राइस थोड़े गिल्ले हैं तो इसमें चावल अच्छे से चिपक जाएंगे। ये देखिए हमारे चावल की कोटिंग अच्छे से हो चुकी है, अब इसी तरह हम सारे बॉल्स की कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे राइस की कोटिंग अच्छी तरह से हो चुकी है, अब हम इसे स्टीम करेंगे। देखिए हमारा स्टीमर गर्म हो चुका है और हमने इसमें ऑयल की कोटिंग की थी, अब हम इसमें एक एक बॉल रखेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। आइए चेक करते हैं हमारे कोरोना वड़ा अच्छे से स्टीम हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है, अब हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे। एक वड़ा मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये दिखने में जितना यूनिक है खाने में उतना ही टेस्टी।